चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत के 21 सबसे बड़े अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत, ऑक्सफैम के रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। देश में जल्द सस्ता होगा आटा, दाल और तेल, गेहूं सहित कई रबी फसलों के रकबे में हुआ बंपर इजाफा, कृषि मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो, लोगों की उमड़ी भारी भीड़। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में 12 राज्यों के सीएम, 35 केंद्रीय मंत्रियों और पीएम मोदी हुए शामिल, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा 5 लाख तक की आय वाले लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं। पीएम मोदी ने अग्निवीरों के पहले बेस से किया संवाद, कहा 21वीं सदी में बदल रहा युद्ध लड़ने का तरीका, नए जोश से भरा है भारत। 100 साल बाद फिर छिड़ा सेना में पगड़ी हेलमेट विवाद, सिखों के लिए खास हेलमेट खरीद रही सरकार। राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश, सुसाइड अटैक का प्लान, नेपाल के रास्ते आ सकते हैं आतंकी। भारत और रूस को और करीब लाएगा ईरान, बना रहा रेलवे लाइन और हाईवे, तीनों देशों को होगा बड़ा फायदा। आगामी बजट 2023 में पैन कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा, संभव इज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी बड़े बदलाव कर सकती है केंद्र सरकार। हिंदू धर्म के नाम पर लोगों में हिंदुत्व की विचारधारा थोपी जा रही, प्रख्यात शास्त्रीय नर्तकना और कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई का बड़ा बयान। कांग्रेस ने कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना का किया ऐलान, हर गृहिणी को मिलेंगे 2000 रुपए महीना। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए राज्यों को मिलेगा प्रोत्साहन, केंद्र सरकार देगी 2000 करोड़ रुपए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एलजी आवास तक निकाला पैदल मार्च, सीएम अरविंद केजरीवाल बोले उपराज्यपाल फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं। मारुति सुजुकी इंडिया की सभी गाड़ियां हुई महंगी, कंपनी ने कीमत में 1.1% का किया इजाफा। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने महंगा किया कर्ज, 10 से 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी, ग्राहकों पर बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली सहित कई राज्यों में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट, आईएसआईएस और अलकायदा संग पाकिस्तान रचा रहा भारत को दहलाने की साजिश। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म संबंधी याचिकाओं पर 15 फरवरी तक केंद्र सरकार से मांगा जवाब, 21 मार्च से शुरू होगी सुनवाई। केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा विधायकों का अनोखा प्रदर्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे दिल्ली विधानसभा। अगले 3 दिन उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर की संभावना, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भारत में हिंसा की घटनाओं में आई भारी गिरावट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी इन इंडिया किताब में दावा, आतंकी घटनाएं 70% हुई कम। जोशीमठ भूदशाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, कहा याचिकाकर्ता अपनी बात हाई कोर्ट में रखे। वाईकॉम 18 ने खरीदे महिला आईपीएल के मीडिया राइट्स, 951 करोड़ रुपए में हुई डील। देश दुनिया में बढ़ा कोरोना का खतरा, यूएस में 1 हफ्ते में 44% बढ़ा मौतों का आंकड़ा, बीते 24 घंटों में जापान में 1 लाख से ज्यादा नए मामले मिले। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन पर सभी पार्टियों के साथ की बैठक, तकनीकी विशेषज्ञ भी रहे मौजूद। विराट कोहली और एमएस धोनी की बेटियों को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, स्वाति मालीवाल के नोटिस पर लिया एक्शन। भारत में 1% अमीरों के पास, देश की 40% संपत्ति, गरीबों की हालत हो रही खराब, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। इस्लाम ने भारत को दिया लोकतंत्र का तोहफा, AIIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। विदेश में भी बजा शाहरुख खान की फिल्म पठान का डंका, रिलीज से पहले ही कर डाली बम्पर कमाई। 121 करोड़ में तैयार हुआ 1150 मीटर लंबा पुल, 145 किलोमीटर कम हो जाएगी मध्य प्रदेश से राजस्थान की दूरी। एग्जाम में चीटिंग की तो 10 साल नहीं दे पाएंगे परीक्षा, उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद कानून लाने की तैयारी हो रही। भारत में 20,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी स्टेटिक कंपनी, ऑटो एक्सपो 2023 में कंपनी ने हाईटेक चार्जिंग उपकरणों की लंबी रेंज को किया पेश। आम जनता को मिली बड़ी राहत, देश में खुदरा के बाद थोक महंगाई दर भी घटी, 2 साल के निचले स्तर पर आई कीमतें। शेयर बाजार में आज लोगों के 55,000 करोड़ डूबे, सेंसेक्स 168 अंक लुढ़क कर हुआ बंद।
महंगे हो जाएंगे कपड़े, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कपास के उत्पादन में भारी कमी की संभावना। खरमास समाप्त होते ही फिर से शुरू हुआ शादियों का सीजन, जनवरी से मार्च तक 28 विवाह मुहूर्त, वैलेंटाइन डे पर भी शुभ समय। दिल्ली में 24 जनवरी को होगा मेयर का चुनाव, एलजीबी ने सक्सेना की लगी मुहर। जजों की नियुक्ति के मामले में टकराव जारी, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सीजीआई को लिखा पत्र, कहा जजों की नियुक्ति में केंद्र की भी हो भूमिका। पीएम मोदी के रोड शो पर कांग्रेस ने बोला हमला का खोखले और नाटकीय आयोजन, केवल मोदी के ढोलकियों को रखेंगे व्यस्त। यूपी के आईटी सेक्टर में आने वाली है नौकरियों की भरमार, 13.3 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार में रामचरितमानस पर आरजेडी ने किया चंद्रशेखर का समर्थन, विवाद बढ़ा तो बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी, किसी धर्म को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं। हिमाचल के कई इलाकों में बन सकती है जोशीमठ जैसी स्थिति, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताई आशंका। बिहार में टूटने वाला है जेडीयू आरजेडी गठबंधन, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान के बाद माहौल हुआ गर्म। पुतिन की सेना ने दी विद्रोह की धमकी, कहा बिना व्यवस्था के -25 डिग्री सेल्सियस में लड़ना असंभव।